है, उसमें शर्माना नहीं है। चलिए, गेल लुसेक्स लॉ पे जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अभी तक हम आपको पहले क्लास में बताए हैं कि पी वी टी एंड एन का आपस में रिलेशन है। तो प्रेशर वॉल्यूम का, वॉल्यूम टेम्परेचर का, वॉल्यूम एन का, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन क्या आते हैं कि कैन यू सी दैट, क्या प्रेशर का टेम्परेचर के साथ, वो आइडियल सिचुएशन नहीं है, प्रेशर का भी टी से भी रिलेशन है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड एन। तुम अभी तक जो पढ़े उसमें ध्यान दिए होगे कि दो का आपस में रिलेशन होगा, दो और दूसरा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो गे लुसेक्स लॉ में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नहीं, एट कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम। फिक्स्ड मास तो हम लोग पहले ही बात कर चुके थे, फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देखो एक एग्जाम्पल तुमको हम बताते हैं। टायर ट्यूब सब लोग अपने 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 तरफ से ध्यान में रखिए। जो लोग भी साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला यदि सीखे हो या फिर घर में आसपास सुने हुए हो, टायर ट्यूब में गैस भरा जाता है। तुम समर्स में सुने होगे, गर्मी के टाइम में सुने होगे कि इसके अंदर जो गैस होना चाहिए ना, कम होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है समर्स में तो ये जो गैस है और आपका स्पेस उतना ही है, कहता है कि वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए, वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए और व्हाट इट सेज हियर कि वॉल्यूम शुड बी, टायर ट्यूब में वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए, लेकिन गाड़ी यदि लगातार चल रही है तो टायर जब गर्मी बढ़ेगी तो गैस, अंदर का जो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या करना शुरू करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू करेगा, तो टायर ट्यूब के चांसेस हैं कि फट जाए। तो वही चीज है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज। वैसे इन आइडियल सिचुएशन व्हाट यू हैव लर्न्ड, आइडियल में तुमने क्या सुना है, आइडियल सॉल्यूशन में जो रिलेशन पढ़े हो आप, उसमें ये ध्यान दिए होगे कि उसमें कुछ और चीज बताया, उसमें बोला कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसके हिसाब से प्रेशर एंड टेम्परेचर का क्या रिलेशन होना चाहिए, जल्दी से बता दो। आइडियल सिचुएशन में जब आप बात करते हो तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जरा कृपया करके बताइए कि P एंड T का आपस में कैसा रिलेशन होना चाहिए, बोलो क्या, इट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट राइट राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन हम आपको अभी क्या बता रहे हैं, गे लुसेक्स लॉ में अलग ही सीन, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, एंड कांस्टेंट रहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहां आपको ध्यान देनी है, टायर ट्यूब का एग्जांपल हमने दिया, एक और एग्जांपल आपको हम बताएंगे। ये तो देख लो, इस एग्जांपल के साथ आप कन्विंस होइए, एंड पी वन टी वन, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन को फॉलो नहीं करता है, पी वन बाय टी वन इज इक्वल टू पी टू बाय टी टू। दूसरी बात हम लोग समझने, दूसरा एग्जाम्पल तुमको हम बताते हैं और वो भी इंटरेस्टिंग है काफी। अभी तुम लोग छोटे एज है लेकिन फिर भी यदि न्यूज वगैरह कभी सुने होगे, कई बार जानते हो समर्स में ही क्या होता है कि जो फ्लाइट है, फ्लाइट में कई बार इंसान को तो बिठा देता है, उनके लगेज को ले नहीं पाता है, मतलब लगेज डाल नहीं पाता है, और पता चलता है कि जिस फ्लाइट से लोग सब जा चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में, उसका लगेज पहुंचता ही नहीं है। इसलिए कि ये एयरपोर्ट का मामला है, थोड़ा सिस्टम रहता है, तो कभी कभी न्यूज आ जाता है कि हंगामा हुआ वहां एयरपोर्ट पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लगेज वहां पहुंचा ही नहीं, और ये बोलता है कि दूसरी फ्लाइट में आ रहा है। तो सवाल उठता है कि ये ऐसा करता क्यों है, जब फ्लाइट में आपका पैसेंजर उतना उतना उतने लोगों को अपने सीट्स के हिसाब से लिया है, लगेज का स्पेस कहते हैं कि एक इंसान के ऊपर 15 kg होता है, तो आपने उस तरह से कैलकुलेट करके फ्लाइट का कंस्ट्रक्शन वैसा है तो आपने वैसे बनाया हुआ है,
then why do you ask for इस तरह का चक्कर क्या होता है मतलब what is what's the problem with this particular part तो जानते हो इसमें क्या मजेदार चीज सुनने को मिलता है आप लोग सबको मालूम है कि प्लेन को बनाया ही गया है टेको जब ऊपर की तरफ जाता है प्लेन फ्लाइट वाली चीज जब आप बात करते हो तो ये अगेंस्ट द प्रेशर ऊपर जाता है ठीक है एयर प्रेशर रहता है जो कि उसको सब चीज को नीचे धक्का देने की कोशिश करता है जिस समय समर्स के टाइम में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ गया व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो जो एयर प्रेशर है ना वो भी बढ़ जाता है मतलब हवा का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है अब वो जानते हो प्लेन को ऊपर जाने ही नहीं देता है यदि ये भारी ज्यादा होगा तो उसको जाने नहीं देता है तो सबसे इजी चीज है कि इंसान को तो जब ऊपर जाना है तो इंसान को देखे ना टास्क की इंसान लोग नीचे उतर जाए प्लेन से कभी ये नहीं बोला जाएगा कि अच्छा ठीक है ये मिस्टर ये सब लोग नीचे उतर जाएंगे सो प्लेन उड़ नहीं पा रहा है ऐसा बोल के बेइज्जती तो कराएगा नहीं तो व्हाट दे डू दे रिमूव लगेज को यहाँ से रिमूव कर देगा जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फ्लाइट हल्का हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि एक इंसान के ऊपर 15 केजी रहता है और समर्स में लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो इस चक्कर में इसका एक फायदा नजर आता है कि दिस इज वन सेट लगेज दैट इज रिमूव और कह दिया जाता है लेकिन पब्लिक नहीं समझती है अब जाओ तुम अपनी जगह पे पहुंचे पता चला आप ही का सामान नहीं आया उन लोगों को भी नहीं पता रहता है कि किसका क्या सामान है ये भी नहीं मालूम रहता है वहां जाके जब लोग खोजते हैं तो थोड़ी देर तक एयरपोर्ट पे क्योस्क रहता है तो अब समझ में आ रहे हैं यदि तुम लोगों को होशियार बना रहे हैं तो ये बात को समझना कि व्हाई डू दे रिमूव लगेज उसके पीछे रीजन यही है कि समर्स में एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीजेस ठीक है इंक्रीजेस ठीक है ड्यू टू विच फ्लाइट टेक ऑफ जो है फेसेस प्रॉब्लम ठीक है ये एक चीज हुआ पहला दूसरी चीज क्या होती है यहां पर ये एक पहली बात आ गई दूसरी चीज यही है कि समर्स में बोला जाता है कि भैया अपना टायर में जो टायर ट्यूब में जो गैस है ना उसकी क्वांटिटी कम रखिए तो इन समर्स टायर ट्यूब कैन बर्स्ट रीजन क्लियर है इसलिए हेंस गैस वो गैस जो है आपका समर टायर ट्यूब कैन बर्स्ट हेंस क्वांटिटी ऑफ गैस शुड बी लेस इनसाइड क्वांटिटी ऑफ गैस शुड बी लेस जिसमें भराया जाता है ना उन लोगों को आइडिया रहता है हम लोग तो छोड़ देते हैं कुछ बोलते नहीं है गाड़ी वाड़ी की हवा इसमें उन लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया रहते हैं कि दिस हैज टू बी डन ठीक है ये आपको एक बार रन कर देते हैं ये सारी चीजें हम लोगों ने की भी थी आपके साथ ये सारे क्वेश्चंस किए हुए थे वो फिर से एक बार चला जाएगा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ना याद है हेलो याद है ना क्वेश्चंस किए यस अब आगे और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं देखो एक सबसे मजेदार क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करना है तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है पेलोड इज डिफाइंड एज ये देखो एजेंडा यही है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में वो लॉज हैं अब इसके अलावा लॉज बच गया है डाल्टन्स लॉ तो पहले हम सोच रहे हैं कि उन पांचों के पर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर लें आप लोग सब अपनी हम पिछले क्लास में आपको नहीं भेज पाए थे वीडियो उसके लिए सॉरी थोड़ा सा लेकिन आज चला जाएगा आराम से आज सारा चीज चला जाएगा वो पता नहीं यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पा रहा था क्या प्रॉब्लम थी हमको नहीं मालूम It was not getting uploaded on YouTube. परसों की बात है परसों या इसके कल भी हम अपने 12th के साथ शेयर किए हैं Zoom वाला डायरेक्ट शेयर किए हैं और हो गया है पता नहीं कैसे WhatsApp पे चला गया है
यदि वो YouTube पर नहीं जाएगा, YouTube पे कुछ प्रॉब्लम परसों आ रही थी, क्या प्रॉब्लम थी मालूम नहीं, अपलोड ही नहीं हो पा रहा था। यहाँ देखना जरा सा, पेलोड इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस। सब अपने अपने पास जरा सा एक कॉपी रखिए, सो दैट दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, लेकिन जब समझोगे तो मजा आएगा फिर, ठीक है। थोड़े से कॉपी पास में रखोगे तो एक बेसिक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा। पेलोड इज अ डिफरेंस बिटवीन द मास, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ द बलून। तुम लोगों को ध्यान है कि यदि बलून ऊपर की तरफ जाता है, या तुम्हारे हाथ ही रखे हुए हो ऐसे, या मेरा बॉडी है, तो एयर का जितनी दूर तक मेरा बॉडी ऑक्यूपाई किया हुआ है, बैठा हुआ है, या जितनी दूर जितनी जगह को छेका है वो, उतनी जगह का एयर को वो वहां से हटाया है। ये बात को ध्यान रखिएगा, जब बलून ऊपर जाता है ना तो एयर को धक्का दे करके अपनी जगह ऑक्यूपाई करता है। तो वॉट इज पेलोड, ये कह रहा है कि दिस इज डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर, जितना बलून जो है धक्का दे करके एयर को वहां से हटाया है, एंड मास ऑफ द बलून। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहां पर आपको लिख के दिखा रहे हैं कि वॉट इज पेलोड, लोड सिंपल वे में बात करेंगे, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर, ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर ड्यू टू बलून, एयर माइनस मास ऑफ द बलून, टोटल मास ऑफ द बलून, टोटल मास ऑफ द बलून। अब ये चक्कर क्या है, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि बलून का जो भी साइज होगा ना, उतना ही हिस्सा वहां से डिस्प्लेस होगा, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर जो उसकी साइज है। हम लोग सबको पता है कि D इज इक्वल टू एम बाई वी, ये वाल मालूम है। तो कितना मास डिस्प्लेस्ड होगा ये डिपेंड करेगा डेंसिटी, ठीक है, जितना डेंसिटी ऑफ एयर जिसकी बात कर पाओगे, एंड वॉल्यूम ऑफ द बलून। जो मास जितना एयर डिस्प्लेस हुआ है वहां से खिसका है ना, ये पता करने के लिए आपको बलून का वॉल्यूम लेना होगा और डेंसिटी ऑफ एयर लेना होगा, यानी कि मास ऑफ जो बात करोगे, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, ये आपका हो गया डी इंटू वी, ठीक है। और ये जो ये है वॉल्यूम ऑफ द बलून, बलून का जो शेप है वो स्फेरिकल हम लोग मान के चलते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या माना जाएगा, 4/3 pi r³। एंड रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 10 meter, बलून का रेडियस 10 meter दिया हुआ है। तो आप इससे आराम से निकाल सकते हो 4190.5 m³। जल्दी दिख रहा है सभी को? बेटा बोलिए, वॉल्यूम ऑफ द बलून इतना हो गया, हाँ वॉल्यूम ऑफ द बलून हो गया, फिर डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन 1.2, यानी कि ये आपका मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर था, ये आपका डी इंटू वी है, ये वी यहां है, ये वाला डेंसिटी 1.2, आप अपना मल्टीप्लाई वगैरह करके रखना, ठीक है। That is going to be done. अब हम लोग निकालने जा रहे हैं टोटल मास ऑफ द बलून। बलून में हीलियम गैस डाला गया है, तो बलून का जो खुद का जो ये मास है, मतलब बलून भी वो भी अच्छा खासा ब्लैडर से बना हुआ है, तो दैट इज बेसिकली जिस ब्लैडर से बना हुआ है उसको हम लोग 100 kg बोलेंगे, दैट इज 100 kg, उसके अंदर हीलियम भरा गया है। तो ये बात तो मालूम है कि बलून का खुद जो ब्लैडर का जो मास होगा दैट इज 100 kg, उसके अलावा हीलियम का मास कितना होगा, जो गैस हम लोग डाल रहे हैं उसका मास कितना होगा, वो निकालने के लिए टू गेट द मास ऑफ हीलियम ये फॉर्मूला यूज किया गया, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। क्या यूज किया गया, PV इज इक्वल टू nRT, n का मतलब होता है a by मास ऑफ द हीलियम, ये मास ऑफ W जो देख रहे हो ना, मास ऑफ हीलियम हुआ, और ये हीलियम का मॉलिकुलर मास हुआ। R का वैल्यू आपको पता है कि क्या डालना है, 0.083 रहेगा, टेम्परेचर इज हाउ मच, 27, यानी कि 300 केल्विन। तो वहां पर हम लोग निकालते हैं इसका ये W वाला वैल्यू सारा पुट करके, एंड ये ध्यान रखना है कि ऐसे ये जो एटॉमिक
मास से वो फोर होता है, प्रेशर वगैरह दिया हुआ है, देखना कितना प्रेशर दिया गया है, 1.66 बार वो डाल दीजिएगा. वॉल्यूम भी दिया हुआ है, हाउ मच इज वॉल्यूम, वॉल्यूम तो जो ये निकाला गया था वॉल्यूम ऑफ द बलून 4190, ये सब रिपोर्ट कर दिए, तो आपको जो मास ऑफ हीलियम आएगा 1117.5 आ गया. उसमें 100 केजी ब्लैडर का खुद का मास ऐड कर दोगे, इट्स गोइंग टू बी 1217.5 केजी हो गया. अब आपका क्या जाएगा पेलोड, ये डेंसिटी इंटू वी करके ये निकला है आपका डेंसिटी इंटू वी, और अभी अभी जो निकाले आप पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से प्लस 100 ऐड करके वो वैल्यू आपने पुट किया, दिस इज द पेलोड. जल्दी बताओ कोई मुश्किल है या डू आई नीड टू रिपीट. बेटा पेलोड का जो डेफिनेशन दिया हम उसी पर वर्क किए हैं. मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर वो हुआ आपका डी इंटू वी से, एंड मास ऑफ द बलून में टोटल मास, ब्लैडर का मास प्लस हीलियम का मास. हीलियम का मास के लिए हमको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करना पड़ा है. हो जाएगा ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो आपको मुश्किल नहीं होगी. जल्दी बोलो क्लियर है. यस मैम. यस मिस. करना होगा बेटा लेकिन कॉपी में, कॉपी में आपको करनी होगी नहीं तो मुश्किल हो जाएगी. अब आइए कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 8.8 ग्राम ऑफ सीओ टू एट 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर आर इज गिवन टू यू. आपको वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पूछ रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी कि सबसे पहले जो पूछता है ना उसमें देखोगे कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से कैलकुलेट किया, जैसे हमारे दिमाग कैसे चलता है, हमको तुरंत लगता है कि अच्छा ठीक है क्या लग रहा है, किससे किस, इतने सारे जो हम फॉर्मूला पढ़े किससे ये क्लोज जा सकता है. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की बात पूछता है, मास दिया हुआ है, क्योंकि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह में मास वास से मतलब है ही नहीं, इसका मतलब है कि ये हम मास वगैरह को इन्वॉल्व करा सकते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी करते हुए. एंड ये वॉल्यूम निकालना है, एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बाय डब्ल्यू. सबको पता है कि एन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास. आर इज योर गैस कॉन्स्टेंट 0.083 बार लीटर पर के गेज, ये चीज हमने कर दिया. टेम्परेचर की बात आएगी तो टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस है, ऐड करो 273, यू पुट इट ओवर देयर, 273 ऐड करके आप 304.1 आ रहे हैं. इसके बाद वॉल्यूम निकाल लीजिए, मतलब कुछ नखरा करना ही नहीं है, ये इतना भी करने की जरूरत नहीं है जब आपको पता है कि एन कैसे निकाला जाता है. ठीक है, तो ये सिंपल देख रहे हो कि 5.17 हुआ, मतलब हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं सीक्वेंस में. यहां भी 2.9 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 95 डिग्री सेल्सियस, ऑक्यूपाइड 2.9 ग्राम ऑफ द गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एज 0.1484 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 17 डिग्री एट सेम प्रेशर, व्हाट इज द मोलर मास. तो आपको दोनों का अलग अलग निकालिए, लेकिन दोनों के प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, रेशियो ले लीजिएगा, रेशियो ले लीजिएगा, हो जाएगा. आई थिंक ये किया हुआ था हम लोग पिछले क्लास में, शायद किए थे इस तरह के क्वेश्चन. अब आइए यहां पर इस वाले केस में क्वेश्चन ये जाएगा, ये आपका डाल्टन्स लॉ पे क्वेश्चन है. बेटा डाल्टन्स लॉ अभी हम बताए नहीं है, डाल्टन्स लॉ पर क्वेश्चन है, तो हम डाल्टन्स लॉ के टाइम में ये वाला क्वेश्चन करेंगे. डाल्टन्स लॉ का पहले कॉन्सेप्ट दे दें तब करेंगे क्वेश्चन. कर चुके थे, ये हो गया था, ये हो गया था, ये सब आपके साथ कर चुके हैं ना, ध्यान है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सब कर चुके थे ना. ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज्ड. कौन से बेटे, वैन डर वाल गैस कांस्टेंट नहीं किए, वैन डर वाल इक्वेशन नहीं पढ़ा है, ये वाली बोल रहे हो? No, ma'am, I was saying about the last one only. वो नहीं पढ़ाया बेटा, अभी हमने deviation from ideal gas नहीं पढ़ाया है. I'm not taught you. Because the same slide I was using with my school also. तो school वालों के साथ use कर रहे थे हम, Dalton's law अभी कर लेंगे तब आपको ये सब questions उठा लेते हैं. नहीं किया है, Dalton's law आपको समझा देते हैं पहले. Van der Waal अभी आपको हमने बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं है. चलिए लास्ट टॉपिक जो था, जो लास्ट गैस लॉज जो है,
डाल्टन्स लॉ, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. इसका क्या कहना है ये सुनेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस, यदि गैस का मिक्सचर है, यदि आप तीन चार तरह का गैस लीजिए, A1 नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है, यदि तीन गैसेस हम लोग लिए हैं, तो जो टोटल प्रेशर होगा, ये बात जान लो, गैस के साथ क्या है कि आप इसका कॉन्सेंट्रेशन वगैरह निकालना, फाइनल प्रेशर बहुत मुश्किल है. एंड ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. रिएक्ट करेंगे तो नया नया प्रोडक्ट बन जाएगा. कहा गया कि प्रेशर होता क्या है, ये बात हम लोग समझ लें जरा सा. इसके हिसाब से बेसिकली जो फोर्स लगाए जाते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये जो देख रहे हो, मतलब P इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. तो जो फोर्स लगाया जाता है, साइंटिस्ट लोग केवल महसूस कर सकते हैं कि टोटल प्रेशर, दबाव कितना. जैसे किसी भी बलून में ही गैस भरा हुआ है तो तुम बाहर से एक फील कर सकते हो कि गैस ये धक्का दे रहे हैं अंदर से, दैट इज द प्रेशर यू विल से. एंड सेम थिंग एनी कंटेनर, कोई भी कंटेनर में यदि गैस रखा हुआ है तो वो किस फोर्स के साथ वो पुश कर रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ, वो उसका प्रेशर कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट एरिया. तो कहा गया कि कभी भी आप जब एक साथ ढेर सारे कॉम्पोनेंट्स लेते हो तो जो टोटल प्रेशर हम लोग बात करेंगे ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल पी, सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय, हर एक को इंपॉर्टेंस देंगे, partial pressure exerted by A1 plus partial pressure exerted by B2 plus partial pressure exerted by PC. यानी कि total pressure जो होगा वो अलग अलग components को हम importance देंगे कि pressure applied by A on the wall of the container, B on the wall of, इसके लिए word use करते हैं हम लोग कि total. लेकिन ये इस समय ध्यान रखना है कि इस container में कोई change नहीं होना चाहिए, temperature, volume, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में. ये नहीं कि आप ये जो टोटल प्रेशर की बात कर रहे हो आप अचानक से चूल्हे पे मिक्सर को चढ़ा दिए. तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन ही करते हैं फॉर मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, फॉर अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस और नॉन रिएक्टिंग गैसेस टोटल प्रेशर total pressure of mixture remains equal to sum of partial pressure exerted, sum of partial pressure exerted by individual gases. समझ आ रही है बात? For a mixture of non-reacting gases, the total pressure of gas remains equal to, in diesel gases hoga, at constant temperature and volume. ये ध्यान रखना होगा. मतलब कि ये बताने की कोशिश की गई है कि इंडिविजुअली इस तरह की चीजें होंगी जिस पर डिपेंड करेगा. For a mixture of non-reacting gases, मतलब फिर से ध्यान रखना कि यदि मिक्सचर अलग अलग तरह के गैसेस होंगे तो जो भी टोटल प्रेशर है वो सबको क्रेडिट जाएगा अलग अलग. ठीक है, अब यहां पर एक बात समझते हैं हम लोग कि इसका और क्या एक्सप्रेशन हो सकता है, कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं और भी.
सोवर हो गया था। हाँ, इस केस में जैसे हम लोग बात किए हैं कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए, यदि तीन गैसेस हैं, पार्शियल, इसको पढ़ेंगे भी कैसे, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी प्लस सी, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। अब इन लोगों का अलग अलग क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसको समझते हैं जरा सा। सबको मालूम है कि पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। दिस इज वॉल्यूम हियर, यदि हम एक कंटेनर लिए हुए हैं तो ए बी सी सबके लिए वॉल्यूम एक ही है। वॉल्यूम हमने बोला ना कॉन्स्टेंट रहेगा, तो सबके लिए वॉल्यूम एक जैसा है। तो यहां के केस में यदि हम जानना चाहें कि पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए क्या होगा, तो नमहा ए के द्वारा जो नंबर ऑफ मोल्स है वो अलग अलग हो सकता है, उसकी क्वांटिटी अलग हो सकती है। ए की कुछ क्वांटिटी हो सकती है, बी की कुछ क्वांटिटी हो सकती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन ए अपॉन वी आर टी। टेम्परेचर भी यहां पर हमने बोला टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन वी आर टी, ठीक है। सेम थिंग पी बी क्या होगा, एन बी अपॉन वी, सेम वॉल्यूम आर टी। पी सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन सेम वॉल्यूम आर टी। अब इसको हम यहां पर यदि लिखते हैं पी टोटल, पी ए की जगह पर एन ए बाई वी आर टी लिख सकते हैं, यानी ये बताओ एन बी आर टी बाय वॉल्यूम। ये आपको मालूम है कि दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स ये अपॉन वॉल्यूम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी आर टी बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये बात क्लियर जा रही है। अब हम इसको लिखते हैं पी टोटल, इसको कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी बाय वी आर टी, ये कॉमन लिया जा सकता है। जल्दी बोलिए, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी एंड आर टी बाई बी कॉमन हो गया। जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, अब बस जस्ट रिलेट करना चाह रहे हैं हम लोग, एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं कि ये पार्शियल प्रेशर एंड पी टोटल का क्या रिलेशन है। यदि हम पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल लें अलग से, तो पी ए तो हम लोग को मालूम है कि एन ए अपॉन वी अपॉन वी आर टी होता है, और पी टोटल क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, अभी अभी निकाला है, वी आर टी होता है। तो आपका क्या क्या चीज यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आर टी वी वी कैंसिल हो जाएगा। तो एक चीज बताओगे, क्या हम लिख सकते हैं ऐसा, तुम लोगों ने या तुम लोगों को किसी को याद है ये एक्सप्रेशन कि नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन याद है जिसमें होता था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यस मैम। होप यू पीपल रिमेंबर, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब हम क्या रिलेशन निकाले हैं, पी ए इज इक्वल टू का ए विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पी टोटल, ये निकाले। उसी तरह से पीबी भी वैसे ही निकलेगा, पीबी इज इक्वल टू काई बी और पी टोटल। इसी तरह से पीसी भी हो जाएगा, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए विल बी, वो डिपेंड करेगा, एक बात हमको बताओ बेटा, एक चीज एकदम अच्छे से दिमाग लगा करके, अभी पार्लियामेंट है, कितने एमपीज हैं यहाँ पर पार्लियामेंट में, कोई बताओगे, गूगल करके भी बता दो, कितने पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन पास करते हैं, कमन से गूगल करके भी बताओ, लेकिन कुछ बताओ, बोलो बेटा, पार्लियामेंट सुने हो, ऑल आर क्वाइट, आई सेड ओके, गूगल करके भी बताओ कम से कम, कितने लोग होते हैं बेटा, सब टेंथ पास करके आ रहे हो तुम लोग, 545, ठीक है। अब ये बताइए बेटा, इसमें से थ्री फोर्थ से ज्यादा एक पार्टी का होना चाहिए, मोर देन थ्री फोर्थ। अभी इस पार्लियामेंट में किसकी सबसे ज्यादा चलती है, कौन सी पार्टी की सबसे ज्यादा चलती है इस पार्लियामेंट में, अपने अपने इंडिया में किस पार्टी की सबसे ज्यादा चलती है,
मैम बीजेपी 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 की क्यों? क्योंकि उसके मोर फ्रैक्शन ज्यादा हैं, उसके परसेंटेज ज्यादा हैं, उसके मतलब कि प्रेशर ड्यू टू बीजेपी इज मोर, मतलब इंडिविजुअली जो है एक पार्टीज रहती है, जैसे वहां बहुत सारी पार्टियां हैं, उसी तरह से तुम इमेजिन करो बीजेपी है, कांग्रेस है, ये है, एंड देन ढेर सारी पार्टियां से, लेकिन हर बार डिसीजन किसकी वजह से ज्यादा पावरफुल होगा ये डिपेंड करेगा प्रेशर ड्यू टू बीजेपी. इफ आई राइट बीजेपी हियर, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बीजेपी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ड्यू टू अदर पार्टीज, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर का ये इतना हिस्सा होगा. जैसे कहेंगे ना तीन चौथाई हिस्सा डिसीजन इनके बीजेपी की वजह से होगा, वैसे ही गैस मिक्सचर के अंदर पर्टिकुलर फ्रैक्शन की वजह से, उसकी जो जितनी क्वांटिटी होगी उसकी वजह से प्रेशर वहां डेवलप होता है. जो गैस ज्यादा रहेगा, जैसे तुम्हारा देखो सराउंडिंग में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, तो नाइट्रोजन की वजह से प्रेशर ज्यादा होगा. तो कैसे हम लोग निकालेंगे पार्शियल प्रेशर, किस तरह से निकालने की कोशिश करेंगे पार्शियल प्रेशर, कैसे निकालने की कोशिश करेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ड्यू टू दैट पर्टिकुलर पार्टी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, हैं तैन जितने पार्टीज हैं सारे हैं, इनटू पी टोटल. तो हर समय पार्शियल प्रेशर को निकालने का तरीका ऐसे ही है, मतलब प्रेशर ड्यू टू पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट कैसे होगा वो डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन पर, तो उसके नंबर्स कितने ज्यादा हैं, किसकी ज्यादा नहीं चल पाती है, ऑपोजिशन की बात क्यों नहीं ज्यादा चल पाती है, क्योंकि उसके नंबर्स कम है. आम आदमी पार्टी का बेटा एक या दो आदमी है, एक या दो आदमी इतने में, तो उसकी क्या चलेगी वहां पर, वो यदि कितना भी चीक भी मारेगा कुछ नहीं चलेगी, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स उसके कम है कंपेयर टू अदर्स. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अपने साइंस के स्टूडेंट हो बेटा, दायरा बढ़ाइएगा. अब इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल. एक चीज और बताना है आपको, एक मिनट और. ह्यूमिडिटी समझते हो ना, प्रेशर ड्यू टू ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड एयर जो बारिश के टाइम में रहता है, हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर प्लस प्रेशर ड्यू टू एयर, ड्राई एयर. ह्यूमिड एयर जो है वो किसकी वजह से, जो वाटर का मॉलिक्यूल्स रहता है इसको बेटा एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, ध्यान रहेगा, समझ आ रही है बात. मतलब कि जो ह्यूमिड एयर बारिश के टाइम में होती है, जो हवा कर रहता है रुक, वो दैट इज ड्यू टू वाटर वेपर प्लस प्रेशर ड्यू टू ड्राई एयर आल्सो यू विल से, सही है. अब आइए यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो हमने बोला था कि हम लोग को डाल्टन्स लॉ पे बात करनी है. द प्रेशर ऑफ मिक्सचर of H2 and N2 in a container is 1200 torr. Torr, जिसे atmosphere bar है, वैसे torr हो गया आपका. The partial pressure, वही चीज तुमको बोले हैं कि इसके अंदर imagine करो कि यहाँ N2 है और H2 है. The partial pressure of nitrogen in the mixture is 300 torr. Due to nitrogen is 300. Right? What is the ratio of H2 and N2 molecules in the mixture? आपसे मोल फ्रैक्शन का रेशियो मांग रहा है, ठीक है. टोटल प्रेशर इतना हुआ, तुम लोग सबको पता है कि P total according to Dalton's law, it's going to be partial due to N2 and H2. ये 1200 हो गया, N2 की वजह से 300 है. ये अंडरस्टूड है, ये कितना होगा, अंडरस्टूड है, ये कितना होगा बेटा, 900. 900 दिया हुआ नहीं था, लेकिन ये तो पता है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ सम जो होता है इसकी, यदि ये टोटल 1200 दिया हुआ है तो इसका 900 होगा. लेकिन मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि इनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालिए. हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का कैसे रेशियो निकालेंगे, इसका PN2 इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय V, PB इज इक्वल टू NRT से, एंड ये 900 है, ये फॉर्मूला देख लो. फिर उसी तरह से N2 का निकालिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए, मिल जाएगा,
ठीक है, 3:1 रेशियो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, वॉल्यूम तो सेम होगा, कहता है दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो निकालिए 3:1, क्योंकि एक का 900 है दूसरे का 300 है, 3:1 हो जाएगा। क्लियर? अब आइए इस पर, नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 70.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम ऑफ नियॉन। एक कंटेनर के अंदर वी आर हैविंग ऑक्सीजन, वी आर हैविंग नियॉन, इसके अंदर 70.6 आपका ऑक्सीजन हो गया एंड नियॉन इज 167.5 ग्राम। ठीक है, इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इन द सिलेंडर इज 25 बार, ये इसके अंदर टोटल प्रेशर कितना बता रहा है? 25 बार। वॉट इज द पार्शियल पावर ऑफ ऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर, ये पूछ रहा है आपसे। मुश्किल नहीं है, क्या नहीं मुश्किल है, पी टोटल दिया हुआ है, ठीक है, पी टोटल दिया हुआ है, हम लोग सबको पता है कि पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ओ टू प्लस एनी, ये चीज हमारे से कह रहे हैं। हम लोगों को ये भी मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स हम पहले निकाल लें यदि, तो उससे आराम से हो जाएगा पी ओ टू काई ओ टू इंटू पी टोटल हम लोग निकाल, ये पढ़े हैं अभी अभी डिराइव किए थे ना, ये वाले जो डिराइव किए थे, ये काई ओ टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू पी टोटल, तो आपका कितना दिया हुआ है 25 बार। ये कैसे निकालिएगा नंबर ऑफ मोल्स? बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है? ए बाय डब्ल्यू, गिवन मास, एक का 70.6 दिया हुआ है 32, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है 2.21 आया, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, दिख रहा है आपको 8.375 आएगा ए बाय डब्ल्यू, तो मोल फ्रैक्शन उसी तरह से निकाल लेंगे, 0.21 आया ऑक्सीजन का, इसका 0.7 आया, 79 आया, यहां पर बस वैल्यू पुट कर देनी है, आपको PO2 निकल जाए। बोलो सही है? यस मैम। यस मैम। हो जाएगा? यस मैम। यस, इतने सारे कैलकुलेशन आपके थे वो होगा, एंड परसों की क्लास में हम लोग क्या करेंगे मालूम? परसों की क्लास में विल टेक इट कि कैसे हम लोग डेविएशन कैसे होगा, आइडियल गैस का डेविएशन, मीन्स जो आइडियल गैस हम बात कर रहे हैं ना, आइडियल गैस पर डिस्कस किए विच ओबेज बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे चीज आइडियल को फॉलो नहीं करते हैं, तो डेविएशन होता है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस हम लोगों को बात करनी है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस यानी कि कुछ सिचुएशन में, किस सिचुएशन में आइडियल बिहेवियर नहीं चलेगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये चीजें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आपको हम इमीडिएटली अभी स्लाइड्स भेज देते हैं क्योंकि आपने उसे छूट गया है।